हैं नेक्स्ट, ये है ऑयल ड्रॉप मेथड का जो मिलिकेंट ने दिया। तो ये देखिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलिकेंट ने दिया। अब ये ऑयल ड्रॉप मेथड है क्या और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक ये चैम्बर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पंप के द्वारा, और यहाँ पे देखिए ऑयल रहेगा, इसमें हम ले लेंगे ऑयल, ये ऑयल है और यहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं ऑयल, तो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है बन जाएंगे, जैसे आप पिचकारी लेते हैं ना, या फिर आप स्प्रे लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं, तो वहाँ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो इसी तरह से ये एटोमाइजर इसको कहते हैं, और यहाँ से देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए, ऑयल के ड्रॉपलेट्स आ गए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से जो है हम एक्सरे जिसके अंदर हम पास करते हैं, और एक्सरे पास करके हम क्या करते हैं, एयर को जो है हम आयनाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एयर इज आयनाइज्ड बाय द एक्सरेज। हम एक्सरेज के द्वारा जो है उसको हम आयनाइज कर देते हैं, तो जो एयर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है, जो गैसेज है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ऐसे जमा हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि हमारा ऑयल ड्रॉप ये है, तो ये देखिए ऑयल ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा। जैसे मान ली कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा, ये देखिए यहाँ तक आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, ये ऑयल स्प्रे से जो ऑयल मिला और जो हमने एक्सरे पास करके जो है इसको आयनाइज किया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकले एयर से, तो वो जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए। एडजॉर्ब का मतलब उसके सरफेस के ऊपर स्टिक हो गए, चिपक गए। अब ये जो है हमारा ऑयल ड्रॉप यहाँ पर आया। अब हम क्या करते हैं, दो चार्ज प्लेट लेते हैं। ये देखिए ये चार्ज प्लेट्स हैं, आपको दिख रहा है ना, ये चार्ज प्लेट्स हैं, तो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, मतलब काफी चार्ज, हाई वोल्टेज जो है हमने इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट किया है, तो सेवरल वोल्टेज ये हमारा जो है चार्ज, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये चार्ज हो गया, ये चार्ज प्लेट। और हमने क्या किया, ये थोड़ा सा आउटलेट या देखिए गैप है यहाँ पे, तो गैप की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुस चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसा अप्लाई किया कि ग्रेविटी से जो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आ रहा था, जैसे मान लिए कि देखिए इस छत के ऊपर जो है ना ऑयल ड्रॉप्स है, देखिए एपरेटस तो बिल्कुल छोटा सा है, अब ये मान के चलिए वहाँ से ऑयल ड्रॉप आ रहा है, और एक जो इस रूम का जो स्टूडियो का जो छत है वो एक चार्ज प्लेट है और नीचे भी चार्ज प्लेट है। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ आया, ये देखिए ऑयल ड्रॉप यहाँ आया, अब ये ग्रेविटी से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन हमने चार्ज प्लेट से क्या किया, रिपल्शन करके इसको स्टॉप कर दिया। अब कितना इस पे पोटेंशियल हमने अप्लाई किया इस इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द ग्रेविटी यूज करने के लिए, वो आपका जो है मेजरमेंट हो जाएगा कि हमने कितना यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है, एनर्जी कितना हमने लगाया है। तो सबसे पहले एटोमाइजर से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गए, ऑयल स्प्रे हो गया इसका, ये तो कवर है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सरे जो है पास कर देते हैं, और एक्सरे पास करने, ये देखिए रे डायग्राम है, एक्सरे पास करने से जो है ये आयनाइज हो जाएगा, और वो आयनाइज वाला इस तरह का ऑयल ड्रॉपलेट जिस पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे चिपक गए, वो अब यहाँ पे नीचे आया। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, हमने चार्ज प्लेट को इस तरह से किया, भाई देखिए चार्ज प्लेट जो है यदि निगेटिव हो तो उसको तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करके हमने उसको हैंग कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइक्रोस्कोप है, और हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो ऑयल ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से जो जल्दी से आ सकता था वो अब धीरे 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 नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से इसने डी डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया, ये चार्ज प्लेट था, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इस माइक्रोस्कोप से, ये देखिए हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, और इस माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे कि ये जो है ये कितना जो है नीचे आ रहा है और किस स्पीड से आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे हमें मिलता है
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यह मालूम करना है कि जो ऑयल ड्रॉप मेथड है इस मेथड के अंदर हमको मिला चार्ज। तो यहां पे लेंगे हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी, अब ये तो आपको मालूम है कि चार्ज तो निगेटिव होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलॉम। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिला, चार्ज। और E by M जो स्पेसिफिक चार्ज हमको कहाँ मिला है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में। तो अब जो है वो दोनों का प्रोपोर्शन लेके हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं, इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो चलिए ये बिल्कुल क्लियर है, एक्सपेरिमेंट क्लियर है। ऑयल ड्रॉप इसका एक्सरे से आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया और इलेक्ट्रॉन को हमने धीरे 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 नीचे ला दिया और माइक्रोस्कोप से जो है हम देखते गए कि कितने टाइम में कितना जो है ये ट्रैवल किया। और अच्छा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, वहां से हमें मालूम चला कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 19 कूलॉम है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखेंगे कि E by M was calculated in cathode rays experiment। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको cathode rays experiment से E by M मिला है और यहां पे ऑयल ड्रॉप मेथड से इसके ऊपर चार्ज मिला और चार्ज कितना मिला 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलॉम। अब ये बताइए E by M जो है हमारे पास कितना है वो देखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि E divided by E by M, अच्छा ठीक है इसको मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। ये देखिए हमारे पास वैल्यू जो है E डिवाइडेड बाय E by M, ये समझ में आ रहा है ना, ये जो है चार्ज है और ये क्या है स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक चार्ज और यहां पे है ये चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज आपने कहां से लिया है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, और ये मिलिकेन का जो है ऑयल ड्रॉप मेथड यहां से आपने लिया है। अब बताइए चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज ये दोनों का प्रपोर्शन लेना है। ये हो गया 1.602 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलॉम, ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव। और ये जो वैल्यू है अब यदि हम लेते हैं तो 1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, तो माइनस 1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 कूलॉम पर केजी ऐसा लेते हैं। देखिए ग्राम होता तो अलग होता, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिया कूलॉम पर केजी में। अब यदि मान लिया हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और E by M का वैल्यू जो है ये आपको जो है कैलकुलेट हो चुका है। अब ये वैल्यूज आप नहीं भी यदि सॉल्व करोगे तो अब ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये E कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा M का और जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 9। ये देखिए निगेटिव निगेटिव तो कैंसिल होगा, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजी। अब ये देखिए ऊपर जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोनेंट को हम एडजस्ट करते हैं और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अलग से डिटरमाइन नहीं किया है, एक एक्सपेरिमेंट से हमें मिला स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज से, एक से मिला हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये है ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर। तो दोनों के प्रपोर्शन से हमें मिल गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको नोट करेंगे ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, कौन डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, कैसे हुआ, इसके चार्ज मास लोकेशन सारा चीज़, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसा निकल गया। अब एक पॉइंट जो है जो सिर्फ आपको याद रखना है कि कोई पार्टिकल, क्योंकि वो जो है आपके बैच में जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट की जरूरत है हमें कि यदि किसी पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे, यदि किसी पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो अब यदि मान लिया वेलोसिटी बढ़ गया तो उसका स्पेसिफिक चार्ज का क्या होगा, इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है
व्हाट हैपेंस व्हेन ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड हाउ स्पेसिफिक चार्ज इज अफेक्टेड, हाउ स्पेसिफिक चार्ज इज अफेक्टेड। तो यहां पे सिर्फ हमको एक पॉइंट नोट कर लेना है, और इस पॉइंट का जो बेसिस है वो क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहां पे हिंट्स एंड सॉल्यूशन हम लेंगे। व्हेन एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, व्हेन एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट्स मास इंक्रीजेस। अब मास इंक्रीज हुआ तो किसकी वजह से, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है, लेकिन अभी उसके जरूरत नहीं, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए वो। तो व्हेन एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट्स मास इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए कि मास जो चेंज होता है वो ये इंक्रीज होता है, मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लेंगे देयरफॉर ई बाय एम डिक्रीजेस। हमारा पॉइंट ये है, यदि उस पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा हो, अब न्यूट्रॉन जो हो उसका स्पेसिफिक चार्ज जीरो होता है, इसलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेट तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ई बाय एम जो है ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मास जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आता है क्वेश्चन, व्हेन ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ई बाय एम डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ द अबव ऐसा। तो ये वेलोसिटी तो उसका स्पीड जो है इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज हो गया, भाई पार्टिकल को एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज किए, मास इंक्रीज हो गया मतलब ई बाय एम डिक्रीज हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद आप याद कीजिए स्पेसिफिक चार्ज पे हमने एक पॉइंट भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन इज, तो अब वो ऑर्डर भी हम देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ई बाय एम, ये एक सेपरेट पॉइंट है। ऑर्डर बाय ई बाय एम कैसा है, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, ये ई बाय एम का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का है इसलिए ई माइनस जो है इसका ई बाय एम ज्यादा है। प्रोटॉन चार्ज तो उतना ही है लेकिन इसका मास ज्यादा है इसलिए ई बाय एम जो है कम हो गया। इसके बाद अल्फा, अल्फा के ऊपर चार्ज तो प्रोटॉन से डबल है लेकिन मास डिनोमिनेटर में 4 times हो गया इसलिए वैल्यू कम हो गया। और न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रॉन। तो एक ये ऑर्डर जो है ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसके ऊपर भी कई एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बिल्कुल आपका क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देख चुके, अब न्यूट्रॉन के बारे में जो पहला क्वेश्चन क्या था, ये इसकी डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई, 1932 में हुआ। तो डिस्कवरी लेट होने का कारण ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल था, किसी का ध्यान ही नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, प्रिडिक्टेड बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का जब मॉडल आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, तो मैं वहाँ बताऊँगा आपको कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को ढूंढ लिया और रदरफोर्ड ने कहा कि पूरा एटम का मास जो है न्यूक्लियस के अंदर है। और जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके अपने कैलकुलेशन किए तो देखा कि मेरे कैलकुलेशन में तो मास जो है एटम का नियरली आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है, और एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि नहीं मास तो डबल होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने कहा अच्छा भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन तो निग्लिजिबल मास वाला है, प्रोटॉन जो है उसका मास यूनिट मास है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास हम कैलकुलेट कर भी लें तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो डबल आ रहा है या डबल से ज़्यादा आ रहा है। तब रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इस एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पार्टिकल हो सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है इक्वल है इसलिए न्यूट्रल हो गया।
तो इसका मतलब हो गया कि अब यदि कोई थर्ड पार्टिकल की बात यदि रदरफोर्ड करेंगे तो यही बोलेंगे कि ये पार्टिकल न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस तरह से जो है रदरफोर्ड ने जो है प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्टेड बाय रदरफोर्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे साइंटिस्ट का कोई भी पॉइंट डिस्कस कराएगा तो एक बार उनको देखेंगे तो जरूर हम, है ना। अब इसके बाद जो है रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, और ये जो है वो रदरफोर्ड के लैब में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने वही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और एक्सीडेंटली जो है वहाँ पे एक न्यू पार्टिकल मिल गया। एक्चुअली वो न्यूट्रॉन ढूंढ नहीं रहे थे, न्यूट्रॉन के बारे में सोचा भी नहीं था इन्होंने, लेकिन जब उन्हें एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला और याद आया, अरे रदरफोर्ड सर ने तो यही कहा था एक न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए, ओ तो ये हो गया न्यूट्रॉन के डिस्कवरी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये देखिए आप, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में जो है किस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है पार्टिकल्स का, फॉइल का, और किस तरह से हम डिटेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रॉन को और कहाँ डिटेक्ट हुआ वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने जो एलिमेंट लिया है वो बेरिलियम लिया है, और बेरिलियम पे ये पोलोनियम एक सोर्स है, ये देखिए यहाँ से ये पोलोनियम सोर्स हमने लिया है, और पोलोनियम सोर्स से यहाँ से जो है देखिए ये पोलोनियम सोर्स हो गया, ये तो हम इसको इंसुलेट कर लेते हैं ताकि बाहर कोई चीज़ ना जा सके, ये देखिए बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगा, रेडिएशन है ना। और यहाँ से ये अल्फा यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स आना शुरू हुआ, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर अल्फा पार्टिकल को मेटल्स फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया था। आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, अल्फा जो है मेटल के ऊपर हीट किया, एटम के ऊपर हीट किया, एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा वो पास होके चले गए थे। वो एक्सपेरिमेंट आगे आने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है जब बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड हुआ तो बेरिलियम के बम्बार्ड होने के बाद जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा जो ऐसा डिविएट होके चला गया, जैसे मान लीजिए ये मेरा फेस जो है न्यूक्लियस है एटम का, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जो आगे हम बात करेंगे, ऐसे अल्फा है और ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऐसा डिविएट होके चले गए और मोस्ट ऑफ द अल्फा जो है पास होके उधर चले गए। तो हमारे पास एक डिटेक्टर होता है, उस डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते हैं कि अल्फा आया या नहीं, वो उस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यहां से जो है अल्फा हमने पास किया, लेकिन अल्फा पास करने के बाद एक न्यूट्रल पार्टिकल जो है हमको मिला। जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अल्फा जाता है और अल्फा ही बाहर निकलता है, अल्फा ही डिविएट होता है, अल्फा ही वापस जाता है, अल्फा के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पे हमने भेजा तो अल्फा, लेकिन ये देखिए ये हमने लिया एक अननोन रेडिएशन। ये जो अननोन रेडिएशन है, ये देखिए आप, ये अननोन रेडिएशन जो है हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ अल्फा तो है ही नहीं। अब जब अल्फा नहीं है तो हमने क्या किया, ये पैराफिन वैक्स के साथ इसको पास किया, और इसके बाद यहाँ पे जो पार्टिकल हमें मिल रहे हैं उन पार्टिकल को जो है हमने डिटेक्ट करने की कोशिश की, तो मालूम चला कि यहाँ पे वो जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये 4B9 बेरिलियम है, बेरिलियम का ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये है एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर। अब इस 4B9 में हम एक अल्फा को बम्बार्ड कर रहे हैं, जो नीचे लिखते हैं वो होता है चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका चार्ज और यहाँ पे अल्फा का ये है मास। ये जो रिएक्शन है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये एक रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4 था, ये 2 था, तो यहाँ पे हो गया ये 6। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में नीचे के नंबर और ऊपर के नंबर सब मैच करते हैं। अब यदि ये एटॉमिक नंबर है 4, अब ये 2 इसमें ऐड हो गया और ये बन गया 6, तो 6 ये जो एटॉमिक नंबर हमें मिला वो किसका होगा,
कार्बन का होगा। और ऊपर में देखिए 9 + 4 = 13 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 6C12। ये बता रहा है कि अब बेरिलियम जो है वो चेंज हो चुका किस में, कार्बन में। अब बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहा, जबकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मेटल जो है वो वही रहता है, एटम वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन चैडविक भी तो वही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और चैडविक ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि ये जो बेरिलियम है, अरे वो तो चेंज हो चुका, अब एक न्यू एटम बन गया, वो है कार्बन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 4 + 2 = 6 तो हो गया, लेकिन ये 9 + 4 मिला के होता है 13। तो इसका मतलब हो गया कि अब हमारे पास चार्ज बचा 0। भाई देखिए ना, 4 + 2 = 6, आप 6 ले चुके हैं, आपके पास चार्ज तो बचा नहीं, लेकिन मास कितना बचा है 1। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1 है, प्रोटॉन का चार्ज +1 है, ये कौन सा है? तो फिर याद आया, अच्छा रदरफोर्ड सर ने कहा था कि एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूट्रल है जरूर इस न्यूक्लियस के अंदर है, तभी मेरा कैलकुलेशन गलत आ रहा है मास का, जबकि एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि मास ज़्यादा है। तो इस तरह से चैडविक ने देखा कि ये तो न्यूट्रल पार्टिकल वैसे ही है जो रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका नाम हो गया न्यूट्रॉन। ये देखिए ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चैडविक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो है इन्होंने जो है बेरिलियम ले लिया। भाई एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड सबसे एक्सपेरिमेंट हो गया और करीब 22 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और चैडविक भी उसी कड़ी में इन्होंने बेरिलियम भी ले लिया। अब बेरिलियम को जानबूझ के नहीं लिया, अलग अलग मेटल का स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई अल्फा का स्कैटरिंग नहीं, अल्फा तो गायब भी हो गया, अल्फा इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब इसको समझने के लिए अब ऐसा देखिए, ये हमारा बेरिलियम है, ये देखिए ये बेरिलियम है, इसमें जो है एटॉमिक नंबर 4 का मतलब हो गया कि 4 प्रोटॉन है, और मास नंबर 9 का मतलब हो गया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के होता है ना, तो आप ये मान के चलिए ये 4 प्रोटॉन था, अभी न्यूट्रॉन हमको मालूम ही नहीं है, और इसमें हमने क्या किया +2 प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन का मतलब हो गया ये हो गया कार्बन। अब समझ में आ रहा है ना, ये जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ये 2 प्रोटॉन जो है 2 प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा यहाँ चला गया, तो अब 4 + 2 कितने हो गए 6 प्रोटॉन हो गए, और 6 प्रोटॉन की वजह से अब भाई प्रोटॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हो गया 4 + 2 = 6 एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से कार्बन हो गया, हमें मिला न्यूट्रॉन। तो अब हमें देखना पड़ेगा न्यूट्रॉन का, अच्छा ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों लेट हुई, क्योंकि हम तो चार्ज पार्टिकल पे फोकस कर रहे थे और ये कैसा था, न्यूट्रल था, इसलिए ऐसा नहीं कि ये न्यूक्लियस में है इसलिए हमको लेट हो गया। भाई न्यूक्लियस को हम खोज लिए, न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को खोज लिए, न्यूट्रॉन को नहीं खोज पाए क्योंकि हमारा दिमाग था ही नहीं वहां पे। तो यहां जो है न्यूट्रॉन जो है हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन के बाद हम यहाँ पे चार्ज मास इनके बारे में देखते हैं, चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो न्यूट्रॉन के ऊपर मैं 0 लगा देता हूँ, मतलब चार्ज हो गया 0। तो अब हम देखेंगे, यहां लिखेंगे न्यूट्रल पार्टिकल। अब बताइए यदि न्यूट्रल है तो क्या कोई स्पेसिफिक चार्ज होगा, नहीं होगा ना। तो चलिए मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन देखते हैं, 1.0086 amu, ये वैल्यूज कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग हो सकते हैं आपका। अब यहां पे 1.00 7276 था वहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 86 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो लिख लीजिए, और इसके बाद फिर आप इस वैल्यू को आप केजी में भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, तो जितना हम एएमयू कहते हैं ये सेम वैल्यू हो जाता है ग्राम में, तो 1.0086 ये हो जाएगा ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ
न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम ऐसा ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज। अब बताइए, जब चार्ज ही नहीं है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज तो हम तब डिस्कस करते हैं ना कि भाई यूनिट मास के लिए चार्ज कितना है। अब जब चार्ज है ही नहीं तो स्पेसिफिक चार्ज हो गया जीरो। तो यहाँ पे E by M हो गया जीरो, ठीक है। इसको देखिए, लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये देखिए, ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आप देखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, इस तरह से करके। और न्यूक्लियस के अंदर जो है आपने ये ले लिया वैल्यूज, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस और इसके अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सारा चीज इंफॉर्मेशन है कि भाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर, और टोटल मास इसके अंदर है। बाकी आप देखेंगे बाद में, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एम्प्टी स्पेस है और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट मतलब पार्ट में जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। तो पहला लेंगे, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। सेकेंड हम देखेंगे यहां पे E by M is जीरो। थर्ड देखेंगे, इट इज हेवियर देन, इट इज हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से भारी है, ठीक है। तो ऑर्डर हम ले लें यदि ऑर्डर ऑफ मास। अब देखिए, हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसको 4 AMU कहते हैं, प्रोटॉन जो है 1 AMU, न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन हल्का सा भारी हो जाता है प्रोटॉन से। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। अब अल्फा को हम इसको 2α4 ऐसा भी लिख सकते हैं जो बताएगा कि 2 charge mass 1 है। ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने चार्ज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा, तो हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं। अब यदि मान ली हम इसी को लिखते हैं 2α4, तो इसको लिखना पड़ेगा 0N1। नीचे हम देखिए, जब सिर्फ ऊपर चीज़ें हम लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं, तो ये होती है चार्जेस, जीरो चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। लेकिन यदि ऊपर और नीचे दोनों लिख रहे हैं तो फिर नीचे आता है चार्ज, ऊपर आता है मास नंबर, ग्रेटर देन 1p1, ग्रेटर देन -1e0। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जो न्यूट्रॉन है दैट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो 1.836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो निग्लिजिबल मास वाला है। तो ये जो है आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, अभी तक जो मैंने टीच किया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देखिए चैट पे जो है हम देखते हैं, जो नीट के जो दोनों बैच हैं, ठीक है, फर्स्ट बैच से भी आ रहा है रिप्लाई, जो सेकंड है, कुंजल बताइए आपको समझ में आ रहा है ये? फर्स्ट में प्रवीण, ओहो हो, अच्छा ये बताइए कौन सा पार्ट जो है, कौन सा पार्ट हम एक्सप्लेन करें फिर से, कौन से पार्ट को हम एक्सप्लेन करें फिर से, ऑयल ड्रॉप या फिर? अच्छा हाँ, तो मैं सोचा शायद क्लियर नहीं है, सो शुड आई गो अहेड? ठीक है, हाँ पुरुषोत्तम आपका आंसर आ गया, यस इट इज क्लियर। देखिए भाई, कोई चीज छुपाना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम जो है ना, यदि धीरे धीरे बढ़ते गए तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हमें सॉल्व करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, सबकी ओर से परमिशन है, अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब हो गया। अब ये बताइए, आपके पास यदि
फ्लैट जो है खाली है, एक रूम खाली है और उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हम दे दें, तो आप उसको अरेंज करेंगे ना। अरेंज करने के बाद टेबल कहाँ है, चेयर कहाँ है, कबोर्ड कहाँ है, उस तरह से आप अरेंज करते हैं, तब वो बोलते हैं नाउ दिस इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूम। अब हमारे पास ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हो गया है, प्रोटॉन हो गया है, न्यूट्रॉन हो गया है, ठीक है। यस, हाँ प्रवीण, हाँ यस, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आ गया, लेकिन एटम के अंदर ये कहाँ अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट किया गया, तो वो जो हमने डायग्राम बना वो समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, जो इन पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं हम मॉडल्स। अब सभी ने अपने अपने मॉडल्स दिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एक एक मॉडल का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जाएगा, दूसरा मॉडल आएगा उसको सॉल्व करेगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम जाएगा, तीसरा मॉडल आएगा, इसी तरह से जो है यहाँ पे सारे मॉडल्स जो हैं ये आते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है। चलिए अब एटॉमिक मॉडल्स, तो यहाँ लिखेंगे हम एटॉमिक मॉडल्स आर द अरेंजमेंट्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जस्ट ए मिनट, तो अभी यहां पे हाँ कुछ साउंड का प्रॉब्लम था। एटॉमिक मॉडल्स आर द अरेंजमेंट्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जब तक इसको आप नोट कीजिए मैं थोड़ा देखता हूँ साउंड का क्या प्रॉब्लम है। यस, बाहर का कुछ साउंड था, उधर कुछ बज रहा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है एटॉमिक मॉडल्स आर द अरेंजमेंट्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। अब एटॉमिक मॉडल्स में जो हमने फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट किया, तो मॉडल आखिर हैं कौन कौन से, तो यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट वन आएगा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसके बाद आपको सेकंड आएगा, अब देखिए जब मॉडल होगा तो थॉमसन मॉडल तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के पहले एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आएगा, लेकिन पहले मॉडल का लिस्ट बनाते हैं। सेकंड हमारा है रदरफोर्ड्स मॉडल, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया। अब क्या होगा, इस रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम जाएगा और थर्ड हो जाएगा निल्स बोर ने दिया है, इसको कहते हैं बोर्स, तो यह बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए इसमें मॉडल का नाम तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है उसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे फोर्थ हो जाएगा सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक मॉडल। आप देखेंगे कि सिलेबस में चाहे वो ट्वेल्थ का सिलेबस हो, चाहे नीट का सिलेबस हो, चाहे जेई का सिलेबस हो, कहीं भी इन्होंने सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक मॉडल यहाँ पे हेडिंग में नहीं दिया है, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इस सोमरफेल्ड ने सब एनर्जी लेवल दिया है और उस सब एनर्जी लेवल के ऊपर पूरा चैप्टर चलता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ये हो गया आपका सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक मॉडल, और इसको रिलेटिविस्टिक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ वो देखना है कि यदि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है और ई बाय एम कम हो रहा है, ये हमको याद रखना है। तो ये सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक मॉडल हो गया। इसके बाद जो है आप लेंगे तो वेक्टर मॉडल एक होता है यहाँ पे, वेक्टर मॉडल हम पहले देख लेंगे, एक होता है वेक्टर मॉडल। तो
तो जो यहाँ पे मैं इस ये ऐसा हैश बना दे रहा हूँ, ये हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या। तो हम क्या करते हैं, सोमरफील्ड मॉडल से हम लेते हैं सब एनर्जी लेवल। आपने पढ़ा होगा ना SPDF ऐसा कुछ होता है, वो है SPDF सोमरफील्ड ने दिया। और इसी तरह से ये जो वेक्टर मॉडल है, यहाँ से हमें मिलता है क्वांटम नंबर्स, यहाँ से हमें मिलता है क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स जो है ये वेक्टर मॉडल के अंदर आता है, लेकिन कोई भी सिलेबस में वेक्टर मॉडल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको हैश डाल दिया। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। अब वेव मैकेनिकल मॉडल में भी जो है बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जो डिटेल में हमें पढ़ना है कौन कौन से, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, और थोड़ा बहुत जो है वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर होता है डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है। ये आपको समझ में आया ना, हर मॉडल में कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल आएगा, उस नया मॉडल में प्रॉब्लम जाएगा, एक उसके आगे नया मॉडल आएगा, और इस तरह से जो है जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तब तक हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए अभी तक जो दो दिन का क्लास था ना, काफ़ी ड्राई था, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे वैल्यूज थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। तो धीरे धीरे करके आप उसको याद कीजिए, यहाँ से अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स आएंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन फिर भी वर्क तो हमें करना है। चलिए अब हम लेते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओहो देखिए क्या ब्यूटीफुल मॉडल आ गया। जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है ना, वो कोई एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं है, बिल्कुल थ्योरेटिकल मॉडल है। तो जे थॉमसन ने, अच्छा जे थॉमसन का मैं फोटो तो आपको बता ही चुका हूँ पहले, जहाँ पे हमने जे थॉमसन का लिया है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब जो है वो जे थॉमसन ने जो है एक विजुअलाइज किया। जे थॉमसन को मालूम था कि बहुत पहले ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स ने कंसेप्ट दिया है कि जो मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वहाँ पे जो है डाल्टन ने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है, एटम है। अब जे थॉमसन, ये देखिए जे थॉमसन इनका नाम, तो इन्होंने ये मॉडल दिया। ये मॉडल कुछ दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, जिसमें प्लस प्लस लगा है, और ये जो पर्पल कलर कुछ माइनस माइनस है, आखिर ये है क्या। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, जस्ट विजुअलाइज किया कि एटम जो है एक पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, एक स्फेरिकल बॉल के जैसा है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड है। एम्बेडेड कैसे हैं, जे थॉमसन का जो मॉडल है वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा है कि वन मिनट के अंदर हम बोलते हैं इसको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे कई जगह आपको वाटरमेलन मॉडल लिखा रहेगा, प्लम पुडिंग मॉडल लिखा रहेगा। तो जे थॉमसन का मॉडल है क्या, एटम एज ए होल इज पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बुक में नजर नहीं आएगा, जनरली लिख देंगे कि लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया है उसको मोर देन 10 ईयर्स कोई भी साइंटिस्ट उसको चैलेंज किया भी तो नहीं, उसको रिजेक्ट कर सका, इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन अब सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम भी वैसे ही थोड़ा सा जान के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस मॉडल को हम देखेंगे कि एटम एज ए होल इज पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, ये देखिए मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट, ये नजर आ रहा है ना। तो ये देखिए ये हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हो गया पॉजिटिव स्फीयर, और जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए यहाँ पे तुम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहाँ पे थॉमसन ने, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, तो थॉमसन ने कहा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सेंटर में होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो डायमीटर पे होगा, ऐसे करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट उन्होंने दिया है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेकिन ये मॉडल जो है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन करे तो लोग पूछते थे यदि पूरा का पूरा एटम जो है, होल स्फीयर जो है, ये पॉजिटिव है और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कैसे न्यूट्रल हो गया ये एटम? भाई यदि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इतना बड़ा पॉजिटिव स्फीयर और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसे न्यूट्रल हो गया? तो एक्सप्लेनेशन हो गया, नहीं ये प्लस है और माइनस है, न्यूट्रल हो गया। लेकिन क्या आप सेटिस्फाई हुए? नहीं हुए ना। तो इसी तरह से कई ऑब्जेक्शन जो है वो थॉमसन मॉडल के ऊपर आते थे, लेकिन कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन थॉमसन अपने हिसाब से देते थे एंड वो जो है ऑब्जेक्शन फेल हो जाता था। इस तरह से आप देखेंगे कि मोर देन ए डिकेड ये मॉडल जो है वैलिड था, कोई भी साइंटिस्ट इसको चैलेंज करता था, लेकिन फिर जो है कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जो है, क्योंकि पूरा मॉडल आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं बता सकता, तो जितने भी ऑब्जेक्शन आते थे थॉमसन सबको रूल आउट करता था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मॉडल में ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा एक्सप्लेन करके सबको कर देते थे कि भाई आप कंसीव हो जाओ, पूरा के पूरा जो है कन्विंस हो जाओ कि ये हमारा मॉडल सही है। फिर भी लोगों के डाउट्स तो थे। अब सीरियस ड्रॉबैक इस मॉडल का कब हुआ? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जाने के पहले मैं आपको बताता हूं कि वो मॉडल क्या है और प्रॉब्लम क्या है, ये फिर से आएगा एक पॉइंट। देखिए गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए गोल्ड का फाइल है, पतला थिन शीट हमने लिया है, और गोल्ड का ही थिन शीट पहले क्यों लिया गया? क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। तो यदि मान लीजिए गोल्ड है ये, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर अल्फा ऐसा आता है और पेनिट्रेट करके जो है चला जाता है, इस तरह से अल्फा आया, पेनिट्रेट के चला गया। इसका मतलब जो है रदरफोर्ड ने कहा था भाई एटम जो है ना एम्प्टी स्पेस है, पूरा का पूरा खाली है, तभी तो अल्फा चला गया। लेकिन यदि हम इस थॉमसन मॉडल को देखें तो पूरा का पूरा जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है, और यदि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और अल्फा पॉजिटिव आएगा तो क्या कोई भी पेनिट्रेट कर पाएगा? अब खुद सोचिए, प्लस प्लस रिपल्शन होता है, तो यदि अल्फा आएगा भी तो ये वापस चला जाएगा, अल्फा आएगा भी तो वापस चला जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जितने अल्फा थे मैक्सिमम एटम को पेनिट्रेट करके चले गए, तो फिर थॉमसन के मॉडल पे क्वेश्चन आया कि यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एक भी अल्फा इसको पेनिट्रेट करके उधर जाना नहीं था, लेकिन मैक्सिमम जो है मैक्सिमम अल्फा एक्सपेरिमेंट पे बता रहा है कि पूरे चले गए, और ये तो आपको मालूम है कि थ्योरेटिकल है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और जब बताया कि थॉमसन मॉडल जो है ये डिफेक्टिव मॉडल है, क्योंकि यदि आप इस मॉडल को लेंगे तो कोई भी अल्फा जो है इसको पेनिट्रेट करके पास होगा नहीं, तो इसका मतलब हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट तो सही है, एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा चले गए, तो ये जो है मॉडल डिफेक्टिव है। तो हम कहते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस पॉइंट को भी हम लिखेंगे, और ये जो है एक्सपेरिमेंट का हमारा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, यहां पे इसमें एक यहां पे लिखेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज वैलिड फॉर मोर देन ए डिकेड। देखिए 1998 के अंदर 1898 में जो है थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, और 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आप देख रहे हैं ना, करीब 13 साल हो गए, तो मोर देन ए डिकेड जो है ये वैलिड था। तो यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज वैलिड फॉर मोर देन ए डिकेड, तो ये पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट, इट वाज डिस्कार्डेड रिजेक्टेड,
तो आप यहां लिख सकते हैं रिजेक्टेड, दिस इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा। एक्सपेरिमेंट अब क्या होगा कि यहां पे कोई भी अल्फा पार्टिकल जो है पेनेट्रेट नहीं होगा, नन ऑफ द अल्फा शुड पेनेट्रेट इफ थॉमसन मॉडल इज टेकन। तो थॉमसन मॉडल नहीं है तो कोई भी नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पासेस। बट द एक्सपेरिमेंट शोज मोस्ट ऑफ अल्फा हैव पास्ड थ्रू द एटम। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि थॉमसन मॉडल जो है वो तो 10 साल से ऊपर ज़्यादा वैलिड था, और ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम जो है पास हो जाते हैं, और यदि हम थॉमसन मॉडल लेते तो कोई भी पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो है डिफेक्ट ऑफ द थॉमसन मॉडल था जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम कल शुरू करेंगे। आज सबसे पहले बताइए कि आज जो हम लोग ने जो पढ़ा है इसके अंदर कोई डाउट? यस, हाँ यस, आज का बताइए। ठीक है, अब मुझे बताइए आज जो हम लोग ने पढ़ा उसके ऊपर कोई? ओके, ठीक है, आप सबका आ रहा है, नो डाउट, नो डाउट, यस, नो प्रॉब्लम, यस सर, ओके। तो जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज भी जो हमने, देखिए हम धीरे धीरे करके जो है सिलेबस को एक्सेलरेट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें जो है कंसेप्ट को समझना है। ओके, हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन आज आ रहा है, डीपीपी सॉल्यूशन जो है एक घंटे के अंदर जो है आ जाएगा। आप लोगों ने सॉल्व किया है ना डीपीपी को, तो डीपीपी का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन जो है मैं एक घंटे का, अभी तो थोड़ा और भी क्लासेस, मेरे 8 बजे तक कंटिन्यू क्लास होते हैं अलग अलग बैचेस के, तो मैं 8 बजे के बाद जो है ये पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर 8 बजे तक जो है कंटिन्यूस बैचेज हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आज जो है ये डीपीपी का सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, ओके, तो बाय एवरीवन।